ये फ्रंट पार्ट है कुर्ती का, इसमें मैंने 3 इंचेस गला और ऐसे 3.5 इंच ये स्पून नेक का कटिंग किया है। यहाँ से 1/2 इंच लेना है और ये इस तरह से 8 इंच। उसके बाद ये इसे वी जैसे कट करना है। वेस्ट लेंथ हमारा 14 इंच है, 14 इंच तक ये कटिंग करना है। पैटर्न करने के लिए ये 5 इंच का फोल्ड डाल के लेना है, इसके ऊपर अभी जो हमने ये कटिंग किया वो रखना है। जहाँ तक हमारा कटिंग है उसके नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसके नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो इतना कपड़ा हमें ये नेक के लिए लगेगा। सब जगह से 3/4 इंच का आउटलाइन करके लेते हैं, या आप 1 इंच का भी कर सकते हो। अभी कटिंग दोनों के साइड में 1/2 इंच छोड़ के करना है। गला कटिंग करने के बाद ये पहले कैनवास कटिंग करते हैं। ये मैं 3/4 इंच ले रही हूँ, आप ये 1 इंच तक ले सकते हो। कटिंग करना है, ये पट्टी इसके ऊपर चिपका के लेनी है। पट्टी के बाजू में 1/2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। यहाँ गले की तरफ 1/2 इंच ही छोड़ना है। इस तरह से चिपका के तैयार करना है। यहाँ मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है कपड़ा। अभी और एक ऐसे ही पट्टी लेके यहाँ से स्टिच करके फिनिशिंग करना है। नोचेस देके, कट्स देके पल्टी करना है। यहाँ जहाँ हमारा कोना था वहाँ अब प्रॉपर नोचेस दे दो। ऐसे ही दोनों बाजू की पट्टी तैयार करके लेना है। अभी इसमें मैं टॉप सिलाई डालूंगी। ऐसे दोनों पट्टी तैयार करके लेना है। मैंने ये दोनों पट्टी तैयार करके लिया है। जहाँ तक कैनवास है वहाँ भी मैंने एक स्टिच दे दिया है ताकि वो आपको सिलने के लिए इजी हो जाए। तो ये दोनों ऐसे तैयार करने के बाद ये फ्रंट कटिंग है, कैनवास यहाँ तक है, तो ये यहाँ से सिलाई करना है। तो मैं यहाँ पिनअप पहले करके लेती हूँ। यहाँ तक ही कैनवास है तो मैं यहाँ तक ही ये फिक्स करूँगी। इस तरह से दूसरी साइड भी लगा के लेना है। स्टिचिंग करना है अभी। यहाँ जो हमने स्टिच किया है यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से कटिंग करना है। ये जो कोना है एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख के यहाँ से स्टिचिंग आएगी। इसके ऊपर अभी टॉप सिलाई देना है। अभी बैक पीस तैयार करते हैं। कुर्ती का ये बैक पीस है, इसमें पीछे का गला 1.5 इंच देंगे और नेक विड 3 इंचेस, ये राउंड शेप कटिंग करेंगे। पीछे के लिए हम क्रॉस पट्टी निकालेंगे, 2 इंच का क्रॉस पट्टी निकालेंगे। इसमें एक साइड फोल्ड डाल के लेते हैं।
ये जो पट्टी हमने निकाला है वो पीछे पहले लगा के लेना है। पट्टी लगाने के बाद शोल्डर लगाते वक्त ये जो हमारी रेड की शुरुआत है और यहाँ की रेड की शुरुआत, ये एक दूसरे को मैच होनी चाहिए। और जो बचा हुआ ये स्ट्रिप है, ये इसको इस तरह से रैप करना है। यहाँ ये दोनों पॉइंट मैच होने चाहिए। ऐसे ही दूसरा भी कॉलर का हिस्सा तैयार करके लेना है। यहाँ भी दूसरा शोल्डर जोड़ते वक्त भी आपको ध्यान में रखना है, रेड हिस्सा और ये रेड हिस्सा एक दूसरे को एकदम टू टच अटैच होना है। और उसके बाद ये रैप करके स्टिचिंग करना है। ये इस तरह से टू टच एक दूसरे को अटैच करना है। अभी इसके बाद ये इसके अंदर डाल के ये जो हमने पहले सिलाई क्रॉस पट लगाया था इसके ऊपर अभी स्टिच करना है। ये फ्रंट नेक तैयार हो गया। इसमें हम अभी बटन लगाएंगे, उसके बाद स्लीव लगा के साइड सिलाई देंगे। इस तरह से ये ड्रेस कंप्लीट करना है। ये ड्रेस मैंने अनारकली में ये पैटर्न किया है, आप ये सिंपल ड्रेस में भी ये पैटर्न कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।